रुद्रप्रयाग में भगवान की तेल कलश यात्रा पहुंची। भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पहले चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। इसी कड़ी में तेल कलश यात्रा भी निकलती है, जिसे देख श्रद्धालु अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। इस यात्रा के अग्रिम पड़ाव के लिए रीति रिवाजों के साथ रवाना किया जाता है। ये बहुत सनातन समय से ये परंपरा चली आ रही है और आज बहुत ही उत्साह का यहाँ पर वातावरण है। मुझे भी बेहद प्रसन्नता है कि मैं उस ऐतिहासिक घड़ी का एक साक्षी यहाँ पर बना हूँ। और जिस तरह से पूरे रुद्रप्रयाग में इस कलश यात्रा को लेकर के लोगों में उत्साह है, मुझे लगता है कि इस वर्ष जो है भगवान बद्री विशाल की ये यात्रा निष्कंटक रूप से होगी। वहीं इस मौके पर कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। भगवान बद्री विशाल की गाड़ू घड़ी तेल कलश यात्रा का दिन वैदिक काल से बसंत पंचमी के दिन ही तय किया जाता है और फिर भगवान के कपाट खुलने की तिथि तक होने से पहले डिमरी महापंचायत द्वारा भगवान का पवित्र तेल नरेंद्र नगर राजमहल से लाया जाता है, जो कि भगवान बद्री नारायण को पहुँचता है। रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट।